नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों के, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी की। झुलसती गर्मी, उसमें बिजली कटौती से इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर किसी अलमारी में तब्दील हो गया है, इसलिए अब लोग ठंडे पानी की प्यास बुझाने के लिए मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं। झुलसती गर्मियों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, ऐसे में खुद को रोगों से दूर रखने और ठंडे पानी से प्यास बुझाने के लिए लोग अब घड़े का विकल्प चुन रहे हैं। आपको बता दें कि मिट्टी में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद कई लाभकारी मिनरल शरीर को विषैले तत्वों से मुक्ति दिलाने में भी मदद करते हैं। मटके की बिक्री अब ज्यादा हो गई है। आसमान से बरस रही आग और प्यास से सूख रहे कंठ के बीच ठंडा पानी तन बदन को तरोताजा कर देता है। इन मटकों की डिमांड बढ़ने से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का भी रोजगार बढ़ा है। अप्रैल महीने में गर्मी का पारा रोज चढ़ता ही जा रहा है। गर्मी से हर कोई व्याकुल है, पल पल प्यास लगती है। ऐसे में हर कोई ठंडे पानी से गला तर करना चाहता है। प्राकृतिक तरीके से पानी ठंडा करने का ये साधन अब पहले की तरह घरों में पहुंच चुका है। प्लास्टिक की टोंटी लगने से मटके से पानी निकालने के लिए दूसरा बर्तन रखने का झंझट भी खत्म हो चुका है, इसलिए मटके की बिक्री बढ़ गई है। टोटी लगा 20 लीटर का मटका 120 से 140 तक पहुंच चुका है, तो वहीं सादा मटका 80 से 100 रुपए में बिक रहा है। पानी फ्रिज में ठंडा होता नहीं है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती, परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सो नहीं पाते पूरी पूरी रात, पानी के परेशान। मटके का अब पानी पीने को तो चाहिए, देखो पानी गर्म तो पिया नहीं जाएगा, ठंडा पानी चाहिए बच्चों को पीने के लिए, इसलिए मटके का मन की थोड़ा सोचा था। बच्चे कह रहे हैं घर में मटका लियाओ पापा जी, फ्रिज में पानी नहीं हो रहा, प्यास नहीं बुझती, गर्म पानी पीता नहीं है उन पर। अब लाइट नहीं आती, दिन में भी लाइट नहीं आती, रात को भी लाइट नहीं आती, काम वैसे नहीं है मार्केट में, परेशान हो रहे ज़्यादा। मटके का पानी सही रहता है, पीने में भी पेट भी भर जाता है, उससे प्यास भी बुझ जाती है। वैसे शमशाद आइडिया क्या है, ठंडा पानी रहेगा और गर्मी में अपने रात तो मिलेगी पानी पीने से, और क्या है, कुछ नहीं, इससे यही मिलता है, रात मिलती है, ठंडे पानी मिलेगा और गर्मी से तो रात मिलेगी, लाइट में कट होता रहता है और इतना हो रहा है कि गर्मियों से हालत भी हालत हो रही है, गर्मी में बीमार भी पड़ रहे हैं बच्चे भी बड़े भी सब, और क्या है, यही है अपना। इससे बढ़िया तो लाइट से बढ़िया अपने ये अपना फ्रिज से बढ़िया तो ये अपना मटके का पानी पिए वो ठीक है बस, और क्या है, ठंडा भी रहता है और अच्छा भी होता है, लाइट से तो यही ठीक है, और क्या बस। मेरा नाम रघुवीर है जी, हाँ जी, मैं काफ़ी दिनों से काम करता हूँ और अब जो है मतलब ज़्यादा लाइट कटने से थोड़ा सा जो है मतलब मटकों की सेल बढ़ी है, तो जैसे पहले 10 बिकते थे अब 15 बिक जाते हैं, उस हिसाब से सेल बढ़ जाती है, और फ्रिज में पानी ठंडा हो ही नहीं पाता है, ये चक्कर है सारा, उसकी वजह सेल बढ़ी है। हाँ जी, कितना लोग पसंद कर रहे हैं मटके को? मटके को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसे फ्रिज का पानी सूट भी नहीं करता है वो, इसलिए जो है मटके का बढ़िया रहता है वो, मतलब नुकसान नहीं देता, ठंडा पानी भी रहता है, ठंडा पानी। और मटका ऐसा है जी, मतलब 70-80 रुपए से लेकर और 100-150-200 तक भी है, बड़ा से बड़ा लो तो वो 300-350 तक भी है। चलिए अब बात करेंगे बिजली कटौती से हो रही लगातार परेशानी के बारे में। फरीदाबाद में लगातार बिजली कट से आमजन बेहाल हो गया है। लगातार पिछले कई दिनों से बिजली के कटों से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। फरीदाबाद में पिछले 15 दिनों से लगातार 3 दिन में 3-4 कट लगते हैं और ये कट 4 से 5 घंटों के बिजली के कट लगते हैं, जिससे कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है। गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऊपर से लगातार
बिजली के कटों के चलते पर्याप्त बिजली लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे लोगों को न तो समय पर पीने का पानी मिल रहा है, हाथों के पंखों से लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगातार धरने और प्रदर्शन शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार दावा करती है कि बिजली सुचारू रूप से लोगों तक पहुँच रही है। जमीनी हकीकत बयां करती है, VIP सेक्टरों में भी बिजली के कट लग रहे हैं जो कि 4 से 5 घंटे के हैं। अभी जो बिजली को लेकर के काफी जो कटौती की जा रही है इससे तो काफी प्रॉब्लम आ रही है हमें, क्योंकि ना तो हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है, ना हमारा कोई भी काम हो पाता है, आपका हमारा अधूरा काम रह जाता है सारा, जिससे हमारा कस्टमर भी संतुष्ट नहीं है और हम बहुत प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर। क्या कहना चाहोगे सरकार से इसके लिए? सरकार से हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज को जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, जिस तरीके से भी हो सकता है। समस्या है सबसे ज्यादा बिजली की भाई। बिजली क्या परेशानी आ रही है जैसे कि भाई ये लगा लो हर एक घंटे में जा रही है, ठीक है, कस्टमर आते हैं प्रोडक्ट ठंडा नहीं हो रहा जी, ठीक है, ग्राहकों को कितनी कितनी समस्या आ रही है आपके बिजनेस में? ये लगा लो नुकसान ही है, ग्राहक पे कोई ग्राहकी पे कोई प्रभाव, ग्राहक पे भी इतना प्रभाव पड़ रहा है कि ये मान लो नाराजी हो रही है। और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि अब हमें थोड़ा कोऑपरेट कर लो जी, टैक्स तो हर चीज का ले लेते हो जी, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं बिजली को लेकर, कहीं ना कहीं तो भैया है। कितनी लाइट जा रही है? लाइट तो पूरा दिन कट लगते रहते हैं, आप ही नहीं। कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है सर? बहुत ज्यादा गर्मी से हमें परेशानी होती है, कस्टमर को कस्टमर कहीं ना कहीं कस्टमर भी परेशान रहते हैं, बहुत परेशान। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो सब ठीक कह रहे हैं, लाइट की समस्या का समाधान करो। राहुल जी क्या समस्या आ रही है? लाइट की समस्या आ रही है, कितनी मतलब दिन में लाइट एक दो बार ही जा रही है या ज्यादा जा रही है? कट लग रहे रेगुलर, कम से कम 2-3 घंटे ही आती है पूरे दिन में, उसके बाद कट लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सारे लाइट का समाधान कराओ बहुत जल्दी, बहुत परेशानी हो रही है कस्टमर, लाइट चली जाती है कस्टमर बाहर खड़े रहते हैं, गर्मी में काम हो रहा है, दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, रात को भी कटती है 4-5 बार, दिन में भी कटता है, लाइट का बहुत बुरा हाल। कारण क्या मानते हो? अब कारण पीछे से क्या बताया जाए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है पीछे से, तभी तो ये दिक्कत आ रही है। क्या हर साल ऐसी समस्या बनती है? इसी साल, इसके नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल ठीक था, इसी बार इस तरह ये एक महीने से ये परेशानी जो आ रही है, एक महीने से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो क्या कोई बिजली कर्मी आता है कोई कभी? कभी कभी आते हैं, कोई खास तो उनका कोई करेंगे अगली खबर की और। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 89 में फ्लोर बिल्डिंग बनाते समय एक हादसा हो गया। तिगांव के भूपानी गांव के रहने वाले विजय नाम के ठेकेदार की बिल्डिंग की छत से पैर फिसल कर गिरने से मौत हो गई। मृतक ठेकेदार विजय कुमार सरिया सेटरिंग का काम करता था। बीते दिन भी विजय रोज की तरह ही TDI नाम से बनने वाले फ्लोर बिल्डिंग पर सरिये की सेटरिंग के लिए छत पर गया और अचानक काम करते वक्त पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया, जिसके बाद विजय की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विजय के साथ काम करने वाले लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने अपनी जानकारी में बताया कि अभी फिलहाल परिवार की तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, अगर शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। इसमें 4 फ्लोर बन रहे हैं, चौथे फ्लोर पे सरिये का काम चल रहा था और विजय नाम का आदमी सरिये का काम कर रहा है, कई दिन से लेबर का काम करता है, जब ज़रूरत होती है जब सरिये का काम का समय आता है तो उस वक्त तो काम करने आते हैं। इनका बेटा भी यहाँ काम कर रहा है, आज इनकी गिर के ऊपर चौथी मंजिल से ऊपर वाले माले से गिर के मौत हो गई है। इस इन्फॉर्मेशन पर हम आए हैं, डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और जो भी वो बयान देंगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फोन क्यों नहीं करा था इसके लिए? ये लड़के का नाम क्या है? विजय सिंह। विजय की कितनी मंजिल से गिरकर मौत हुई है? 5वीं मंजिल से। तो 5वीं मंजिल कहाँ का रहने वाला है वो? पुरानी भूपानी गांव का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन सिंह है जी। जो उस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम क्या है, उम्र क्या है उसका? उसका नाम विजय सिंह है जी, 38-40 साल की उम्र है। कहाँ का रहने वाला था? गांव पुरानी भूपानी, बहुत गरीब आदमी है, एक छोटा ही बच्चा है उसका। तो उसकी जो व्यक्ति की मौत हुई है वो किस कारण को लेकर हुई है? मंजिल पे चढ़ा हुआ था जी, ये कोई बेल्ट का पता नहीं क्या हिसाब है, उससे इसका पाम खिसका या कोई ताकत नहीं थी ऊपर, उसकी वजह से सेफ्टी नहीं थी, उसके उस पर चित गिरा है, इसकी सिर की जो है सारा बेजू भी सारा निकल के बाहर गया, बहुत गंभीर चोट आई है।
और यहाँ कम से कम चार घंटा यहाँ पर हो गए हैं पुलिस से। मैं भी पुलिस का तो नाम लिखा लगा, हम भी आप पे केस है, मैं नाम लिखा, तो पुलिस वाले भी धमका के पड़ रहे हैं सबको। चलिए अब बात करेंगे खेती की। दिल्ली से सटे फैदाबाद के अटाली गांव के एक युवा किसान प्रहलाद तकनीक के इस्तेमाल से सब्जियों की फसल उगाते हैं। प्रहलाद पिछले 6 सालों से हॉर्टिकल्चर खेती से जुड़े हैं। प्रहलाद ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें हॉर्टिकल्चर खेती करने के लिए 60 से लेकर 80% तक की छूट मिलती है और उनकी पसंदीदा खेती लौकी है, जिसे वो साल में 2 बार उगाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छूट को लेकर किसान ने सरकार का आभार जताया। किसान का कहना है कि किस तरह पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जियों की पैदावार करना फायदे का सौदा है। किसान प्रहलाद ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ खेत में काम करते थे और उनके पिताजी ट्रेडिशनल गेहूं और धान की खेती करते थे। उसमें उनके परिवार का ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता था और वहीं पूरे सीजन का खर्च भी निकाल पाना मुश्किल हो जाता था। ये प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर संरक्षित बागवानी मिशन के अंदर ये टेक्निक आती है। हम नेट हाउस और ओपन में वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं विद ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, मल्चिंग लगा के। सर क्या है ड्रिप इरीगेशन? क्या ड्रिप इरीगेशन सिस्टम? एक पानी देने की एक टेक्निक है, इजरायली टेक्निक है, जिससे कि हम टपका टपका सिंचाई के द्वारा पानी के द्वारा अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें कितना मतलब पानी की बचत होती है आम जो हम जो फसल मतलब जो सब्जी उगाते हैं उससे? अभी हम यदि अपना ओपन पानी लगाते हैं, फ्लड इरीगेशन करते हैं, तो एक एकड़ की सिंचाई के लिए हमें 7 से 8 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम अपनी ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से उसी फसल की सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 हज़ार लीटर पानी में हम अपनी एक टाइम की सिंचाई कर सकते हैं। तो बात करें जो सब्जियों की, इसमें कितनी पैदावार होती है इस तरह की जो इरीगेशन से जो करते हैं? तो इस इरीगेशन के द्वारा हम बहुत कम पानी में, बहुत कम फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी 2 से 3 मल्टीप्लाई मतलब ओपन फार्मिंग में हम दोगुना से तिगुना फसल ले सकते हैं। आप यहाँ आप जो साल में कितनी फसल ले लेते हैं इरीगेशन सिस्टम से? हम 2 फसलें लेते हैं हम, लौकी ज़्यादातर बेल वाली फसलें करते हैं, जिसमें कि लौकी है, तोरी है, करेला है। हम लौकी की फसल साल में 2 बार करते हैं। तो बात की जाए हरियाणा सरकार की, किस तरह से सब्सिडी वगैरह इन पे कुछ है सरकार की तरफ से? हाँ, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे हरियाणा सरकार की 85% अनुदान है और नेट हाउस वगैरह पे 65% अनुदान है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो फसलों में मंडी में अपने जो ले जाते हैं सब्जियों को, वहाँ पर किस तरह से वहाँ पे कुछ? हाँ, जो हम अभी पिछले 2 साल से मैं क्रॉप कर रहा हूँ तो वो केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री होने के कारण और हम वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारी क्रॉप का टेस्ट अलग होता है और उसका साइज भी अच्छा होता है। तो फरीदाबाद की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी देखे तो चारों तरफ गंदगी का अंबार और लोग परेशान। यहाँ सब्जी और फल की आड़त करने वाले दुकानदार गंदगी की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सब्जी और फल विक्रेताओं का कहना ये भी है कि यहाँ गटर भी खुले रहते हैं, जिसमें कई बार गाय गिर गई हैं और गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। दिखाई दे रहा ये गंदगी का आलम फैदाबाद की सबसे बड़ी कही जाने वाली सब्जी और फल मंडी का है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगी के अंबार हैं। यहाँ पशु का विचरण ज़्यादा रहता है और गटर भी यहाँ पर खुले हुए हैं। एक अन्य फल विक्रेता की माने तो मार्केट कमेटी के पास गंदगी को उठाने के लिए कई ट्रैक्टर और गाड़ियां हैं, लेकिन गंदगी को उठाने का यहां पर कर्मचारी नाम नहीं लेते। जबकि मार्केट कमेटी के अधिकारी सुबह के समय रोजाना यहां से निकलते हैं और गंदगी देखकर चुपचाप से अपने ऑफिस में घुस जाते हैं। सफाई कम होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, शाम को हो जाती है, ऐसे दिन में नहीं हो रही है। तो गंदगी इतनी फैली रहती है, जैसे बदबू ज्यादा हो रही है तो निकलने वाले गंदगी पहले से उससे बदबू भी हो जाती है, कभी कभी मवेशी भी मर जाते हैं। तो इसकी अभी कोई शिकायत नहीं दे रखी है? शिकायत कई बार किया गया, कभी फिर शिकायत करते हैं तो झाड़ू लग जाती है, फिर कभी नहीं लगती है। मंडी में पानी पीने के लिए मवेशियों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है। मंडी में सीवर की ढक्कन खुली रहती है, उसमें बच्चे को भी गिरने का चांस रहता है, बड़े भी गिर सकते हैं। इनको ट्रैक्टर ट्रॉली भी मिले हुए हैं,
उठाने के लिए, ठेका भी दे रखा मंडी का, पर कोई आता नहीं है। देख लो आप फोटो खींचो, बोल देखो प्याज कितनी प्याज पड़ी है सड़ी हुई, वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप, 5 मिनट के लिए खड़े होकर दिखा दो पूरे ढक्कनों। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत तो मंडी के आदमी घूमते हैं, उनको शिकायत क्या करें, उनको नहीं दिख रहा। आप ढक्कन का बता रहे थे, सीवर के ढक्कन, सीवर के ढक्कन खुला पड़ा, वो एक गाय गिर गई थी अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ आगे, वो जेसीबी से निकलवाई थी। बहुत सीवरों के ढक्कन तो बहुत तो है, इसमें क्या है क्या, सबको आपको भी दिखाई दे रही है, ये गटर वटर के ढक्कनों से काफ़ी नुकसान भी होता है। देखो खुलने से कभी जैसे कोई लोडिंग गाड़ी है किसी भी सब्जी की या फ्रूट की फंस जाती है, मंडी दुकान पे नहीं लग पाती, आरतियों को घाटों का भी हरजाना भरना पड़ जाता है। देखो जी मंडी का रोज कमा हुए बस ये, और क्या कहें जी, बाकी गंदगी तो आप देख ही रहे हो। शिकायत नहीं की है आप लोगों ने कभी? शिकायत जी बतेरी करी है जी, शिकायत तो शिकायत। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और शहर के राजीव नगर में घरेलू कलह के चलते अपनी 35 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में किटवाड़ी पुलिस चौकी ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हैरत की बात तो ये है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद पुलिस को फोन कर इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया। किटवाड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि पुलिस के पास एक रंजीत नाम के व्यक्ति का फोन आया और उसने फोन पर बताया कि उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। वो राजीव नगर की गली नंबर 13 स्थित एक मकान में किराए पर रहता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी रंजीत कमरे में फर्श पर बैठा हुआ था और उसके पास उसकी पत्नी नविता मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला पश्चिम बंगाल के जिला नंदीग्राम की रहने वाली थी। 5 साल पहले मृतक महिला नविता और रंजीत की मुलाकात पलवल में ही हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और दोनों ने शादी कर ली। पलवल से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजीव नगर मोहन नगर की जो प्रमुख गली है वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पाकर मैं स्टाफ सहित मौके पर पहुँचा, यहाँ पर सूचना सच्ची पाई गई और वहाँ मृतिका की लाश पड़ी हुई थी। निकिता बेसिकली नंदनी गांव कलकत्ता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, जो पहले कलुआ का गांव आगरा के आसपास है वहाँ पर शादीशुदा थी। वहाँ से संवेदच्छेद होने के उपरांत किन्हीं परिस्थितियों में इस लड़के के संपर्क में आई। ये लड़का रंजीत महावीर निवासी नंदौनी आतरस के पास का रहने वाला है। यहाँ पर राकेश कुमार रघुवीर सिंह के मकान में किराए पर रहता था लगभग पिछले 5-6 महीने से, और अपनी पत्नी पर अपने घरेलू कलह और शक की बिना पर इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही, उसके उपरांत कल कोर्ट में पेश किया गया, 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। दौरान पुलिस रिमांड उससे गहनता से पूछताछ की गई, जो उसने स्वयं इस चीज़ को स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी को की हत्या की है, जो इसमें अभी भी जांच जारी है। जांच के दौरान अगर कोई अन्य पहलू सामने आता है तो उसके आधार पर भी सघनता से जांच की जाएगी। 35 बकाया है, आरोपी को आज पेश दर्ज किया जाएगा। अभी 33 के दायरे में चलते हुए जरूरत पड़ी तो दोबारा से रिमांड हासिल किया जाएगा। मैं यूपी के बुलडोजर गैंग से बोल रहा हूँ। सुना बहुत पैसे कमा रहा है, अब अगर धंधा करना है तो 10 करोड़ की रंगदारी देनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही ये फ़ोन प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास आया, मानो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने महज कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी मनोज को उस वक्त धर दबोचा जब मनोज प्रॉपर्टी ब्रोकर पर रंगदारी देने का दबाव बनाने लगा था। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़
करोड़ की रंगदारी मामले में यूपी के रहने वाले मनोज नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया मनोज भी गुरुग्राम के पौश इलाके में प्रॉपर्टी ब्रोकर के बिजनेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन बिजनेस में हुए नुकसान और गलत आदतों के कारण मनोज पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था और मनोज ने रच डाली अपने ही बिजनेस साथी से 10 करोड़ मांगने की साजिश। पुलिस की माने तो आरोपी मनोज पोस्ट ग्रेजुएट और गुरुग्राम में ही रहता है। वहीं क्राइम ब्रांच ये भी तफ्तीश करने में लगी है कि मनोज का ये पहला अपराध था या इससे पहले भी आरोपी पर कोई और वारदात दर्ज है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।